अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें हमारे सेटअप में है कॉकटेल और लव बर्ड की वैरायटी है। ये यहाँ पर कवर्ड एरिया है, वो दिखा रहा हूँ पहले आपको कि यहाँ पर हमने ये बॉक्स लगाए हुए हैं यहाँ पर, और बाकी ये है कि इनके सामने जो है ये ओपन एरिया, ये आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। ये इनके लिए फ्लैंक के लिए जगह है, काफ़ी बड़ी जगह है जो इन्हें दे रखी है। इसमें ये है कि ये उड़ के बासानी एक जगह से दूसरी जगह, अभी ये यहाँ पर ये फिर रहे हैं। कॉकटेल भी हैं, लव बर्ड्स भी हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें लव बर्ड्स हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। ये जगह मिली हुई है यहाँ बैठने के लिए, अंदर ये दरख्तों के ये तने लगाए हुए हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ पर बैठे हुए हैं कॉकटेल। उन्होंने अपनी दुनिया बसाई हुई है यहाँ पर, बहुत ही ज़बरदस्त माहौल दिया गया है, कुदरती माहौल दिया है इन्हें यहाँ पर, दरख्त दिए हैं और फ्लैंक के लिए एक खुली जगह है, बहुत बड़ी जगह। तकरीबन ये 25 फीट चौड़ा है और इसकी लेंथ जो है वो 120 फीट है, यानी कि ये तकरीबन 25 से 30 फीट चौड़ा और 120 फीट ये लंबा शेड है। ये आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे ये शुरू में ये इसका ये कवर्ड एरिया हाल बना हुआ है, यहाँ ये बॉक्सेस लगे हुए हैं। ये यहाँ पे बहुत ही खुश इनकी चहचहाट बताती है कि ये नहायत खुश हैं यहाँ पर। मुख्तलिफ इकसाम के हमारे पास लव बर्ड थे, वो भी यहीं पर ही हैं, फिशर हैं, उनके अलावा यहाँ पर हैं हमारे पास कॉकटेल। कॉकटेल की भी एक अच्छी वैरायटी है जिसमें इनों के भी कुछ पेयर हैं, और उसके अलावा हमारे पास ग्रे, येलो, वाइट, पाइट, मुख्तलिफ जो है वो कॉकटेल हैं। ये माहौल दिया हुआ है, नहायत ही शानदार माहौल है इनके लिए। एक इन्हें कुदरती माहौल देने की कोशिश की है कि एक बड़ी जगह हो जहाँ पर ये एक जगह से उड़ के दूसरी जगह बासानी जा सकें। ये अपना घोंसला बनाने के लिए इसी तने के छिलके ले जाकर अपना घर बनाना चाह रहा है। ये मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पर ये बैठा हुआ है ऊपर फिशर का पीस। ये है हमारे पास कॉकटेल। ये दिखाता हूँ, ये यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने ये अपने बैठने की जगह बनाई हुई है। ये काफी खुली जगह है इनके पास। ये इसमें इनका आना जाना लगा रहता है। अंदर से चल के ये दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर इनके ये लगे हुए हैं बॉक्स, ये यहाँ पर ये लव बर्ड ने अपनी
जगह बना रखी है यहाँ पर, ये बॉक्सेस में काफ़ी तादाद में बॉक्सेस लगा दिए हैं ताकि हर किसी को अपनी यहाँ पर बॉक्स में ब्रीड करने के लिए आसानी रहे। और यहाँ पर ये है एवरी, इनके लिए जगह है काफ़ी और बड़ी जगह। इन्होंने इस बड़ी जगह पे रहना सीख लिया है। अब यहाँ से चलेंगे और मैं आपको चल के दिखाता हूँ मज़ीद। हमारे पास हैं डव्स हैं और फिंचेस का मुख्तलिफ फिंचेस का सेटअप है, वो भी आज की वीडियो में दिखाऊंगा। अब आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे, यहाँ पर हैं हमारे पास मुख्तलिफ खुमरे और हैं हमारे पास डव के, बहुत ही प्यारी आवाज़ें निकालते हैं ये। खुमरों की अच्छी खासी हमारे पास तादाद है। ये हमने अभी आधी तौर पे इनको इस केज में रोका हुआ है क्योंकि नए केज तैयार हो रहे हैं, तो इनको फिर हम वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। यह है कि यहाँ पर भी जब हमने इन्हें छोड़ा, और ये आपको दिखाता हूँ छत पे हमने ये माहौल दिया है, तो यहाँ पर इसके अंदर भी एक दो पेयर ऐसे थे जो कि इन्होंने अंडे दे दिए आपके साथ ही यहाँ पर। जैसे ये फीमेल बैठी हुई है, इसके अंदर अंडे देता है, थोड़ा ऊँचाई पर है, मुझे वहाँ ऊपर चढ़ के इसमें दिखाने के लिए ज़रा दिक्कत आ रही है कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं उसके ऊपर चढ़ के ऊपर आपको इसके अंडे दिखा सकूं। और ये यहाँ पर ये पेयर मैं अपने यहाँ पर ये घोंसला बना लिया इसके अंदर, और हैं डब क्या ना कि डब। बहुत प्यारी आवाज़ें निकालते हैं, कभी आप देहात में जा के रहें कहीं पर तो सुबह सुबह आपको ये दरख्तों के ऊपर से ये आवाज़ें सुनने को मिलेंगी। असल में फीमेल को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए मेल जो होते हैं वो ऐसी आवाज़ें निकालते हैं। अब मज़ीद आगे चलेंगे और आपको कुछ फिंचेस हैं हमारे पास चलकर वो दिखाते हैं। यहाँ पर हमारे पास हैं ये गोल्डियन, कुछ तो अंदर छुप गई हैं लोटकियों में जाके, बाकी कुछ ये बैठी हुई हैं यहाँ पर। इन्होंने बना लिया इस लोटकी में अपना घर, ये आपको नज़र आ रहा होगा मुकम्मल पेयर है, इन्होंने इसके अंदर अपना घोंसला बनाया हुआ है और आने करीब इनके अंडे भी आ जाएंगे इसके अंदर ही। वैसे तो हमने लोटियाँ काफ़ी ज़्यादा लगाई हुई थी ये आप देख सकते हैं, लेकिन इन्हें वो ही लोटकी पसंद आई है वहाँ पर कार्नर वाली, उसमें जाकर इन्होंने बनाया अपना घर। यहाँ पर है हमारे पास फिंचेस और उनको दिया हुआ है ये माहौल, यहाँ पर लगा रखी हैं लोटकियाँ अंदर, माशाल्लाह जी यहाँ पर आ रही है इनकी ब्रीड। और ये सेंटर में खूबसूरत लोटकियाँ यहाँ लगाई हुई हैं, कुछ ने इसमें घोंसले बनाना शुरू कर दिए। और बाकी यहाँ बैठी हुई हैं मुख्तलिफ फिंचेस, जितने ज़ेब्रा है गोल्ड और हैं गोल्डियन और साथ ही बंगालियन।
ये है थोड़ा सा ओपन, स्टिक लगी हुई है, बाहर जाली है। यहाँ पर उनके आगे आगे देखें तो आपको नज़र आएगी सारी ग्रीनरी, और यहाँ बैठकर ये बहुत ही खुश, हर किसी ने अपनी लोटकी में अपना घर बनाया हुआ है। यहाँ से अब चलेंगे आगे और अब चलकर आपको दिखाएंगे हमारे पास हैं जावा की मुख्तलिफ वैरायटी, जिसमें फॉर्म भी है ग्रे जावा और वाइट जावा, चलकर आपको वो दिखाते हैं। यहाँ पर हमारे पास हैं जावा चिड़ियाँ मुख्तलिफ, इसमें हमारे पास फॉर्म कलर भी है और साथ आपको ग्रे जावा भी नज़र आ रही होंगी, और इसमें हैं हमारे पास वाइट जावा फिंचे, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह ये सारी ब्रीडर है। और ये यहाँ पर लगाया हुआ है लोटकियाँ लगाई हुई हैं, ये यहाँ पर इसके अंदर ये अंडे देती हैं। ब्रीड की ज़बरदस्त हैं, सर्दियाँ गर्मियाँ इनकी ब्रीड जो है वो माशाल्लाह आती रहती है। इसी के साथ ही आज की वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम भी करेंगे। इन जाने से पहले मैं खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उनका, जो कि हमें आउट ऑफ कंट्री से देखते हैं, जिनमें USA, UK, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश और हमारे इंडिया के काफ़ी सारे दोस्त जो कि हमारी वीडियो को देखते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहते हैं, उनका खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूंगा। और जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को पुश कर लें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो बआसानी मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।